नमस्कार, आप देख रहे हैं दबल दबाल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ऑड-इवन स्कीम लागू किए जाने को लेकर फटकार लगाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि दिल्ली सरकार की ऑड-इवन स्कीम महज दिखावा भर है। इस पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन योजना को सही ठहराया है। सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हुई है। दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि भी हुई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऑड-इवन स्कीम से ईंधन की खपत में 15% की कमी आई है। इस मामले में आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वायु प्रदूषण ऐसा मसला नहीं है जिस पर राजनीतिक खींचतान होनी चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि आप पहले भी ऑड-इवन सिस्टम ला चुके हैं, क्या ये सफल हुआ है? कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो सुनिश्चित करे कि खुले में कूड़ा नहीं जलाया जाए। कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन को अगली सुनवाई में पेश होने को कहा था। डीपीसीसी प्रदूषण पर रियल टाइम डेटा इकट्ठा करे और इसे सार्वजनिक न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्मॉग टावर के बंद पड़े होने पर भी सख्त नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि स्मॉग टावर कब काम करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्मॉग टावर तुरंत शुरू होना चाहिए। हम नहीं जानते सरकार कैसे स्मॉग टावर शुरू करेगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दबल दबाल। नमस्कार।